चलिए दोस्तों, तो पहले सीख लेते हैं इस 3210 जो है सॉफ्टवेयर को जो कैसे एक्टिवेट किया जाता है, यानी मतलब इसको कैसे आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करते समय यह कीजन मांगेगा इस तरह से, और इसके जो हार्डवेयर आईडी होती है वो आईडी हमको यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करके जो है इसका जो की जनरेटर होता है, की जनरेटर में जाके और लाइसेंस आईडी के सामने आपको यहाँ नीचे यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके जो है हमारा जो पहला ऑप्शन था उस पर इंटर की करके और यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है। ओके कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए हमारा जो है रेडी हो गया यूज करने के लिए। इसको कैसे अब हमको यूज करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप इतना मॉडल नंबर है, इसमें आपका 1210, 1250, 3200, 3201, 3210, 3211 और 3250 जैसे मॉडल है। ये इतना मॉडल जो है आपका इस प्रोग्राम से जो है आप रीसेट कर सकते हैं। तो आपका जो प्रिंटर उसको सेलेक्ट करिएगा, ओके करिएगा। इसमें फ्रेंड्स एक और ऑप्शन बढ़ गया है जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे जब इसको इंस्टॉलाइजेशन जब करते हैं, तो पार्टिकुलर मोड पर आ जाते हैं। उसके बाद वेस्ट इंक पैड काउंटर, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में लगभग बताया हुआ है, उसको सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ आपको अब तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, मेन पैड काउंटर और ये जो है, और सबसे नीचे इंक सिस्टम पैड कंट्रोल। ये तीनों को आपको सेलेक्ट करना है। ये तीनों सेलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद जो है आपको चेक करना है तो ऊपर से चेक कर सकते हैं, और नीचे जो है इंस्टॉलाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे इंस्टॉलाइजेशन करेंगे तो आपका प्रिंटर जो है वो रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने के बाद फ्रेंड्स आप इसको आसानी से अपने प्रिंटर को ऑफ करके फिर ऑन करके इसे यूज कर सकते हैं।